मैं एक ऐसे मंदिर में गया था जहाँ पर सबकी मनोकामनाएं माता पूरी करती है, और यह देवी 500 साल पुरानी है जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। आप भी अगर इस मंदिर में एक बार भी अगर आते हो तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलो तो आज हम जानते हैं इस चमत्कारी माँ भवानी माता के बारे में। मैं आया हूँ स्वयंभू और भक्तों को चमत्कार दिखाने वाली अति प्राचीन माँ भवानी के दर्शन करने के लिए, जो कि नागपुर के पास भंडारा रोड पार्डी में स्थित है। इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में बड़ी बड़ी माता की फ्रेम लाई जाती है, साथ में ही ओटी भरने का भी रिवाज है। जो भी आप मन्नत मांगते हैं वह माता पूरी करती है, ऐसे कहा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 500 साल पुराना है, जो कि भोसलों ने बनाया था। इस नए मंदिर का निर्माण कुछ ही दिनों पहले हुआ है। जब मैं कई सालों पहले यहाँ पर आया था तो यह मंदिर ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में भी जो शासक थे वह शक्ति के उपासक रहे हैं, इसी कारण उन्होंने शक्ति स्वरूपी अपने राज्य में देवियों के निर्माण करना शुरू कर दिया था। इसी परिपाट में भोसले महाराज ने भी देवियों का मंदिरों का निर्माण कराना आता था। इनके द्वारा प्राचीन मंदिरों को सुधारने का काम भी किया गया। इस मंदिर में मात्र माता के मुखमंडल के ही दर्शन होंगे। माता के माथे पर करंडा पद्धति का मुकुट है, कानों में स्वर्ण कुंडल व सीधी नासिका तथा उन्नत ललाट पर वर्तमान में स्वयंभू भाव की सुंदर प्रतिमा हमको दिखती है। नवरात्रि का समय था, इसलिए मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू था। जैसे ही आप माता के दर्शन करोगे आपको एक अलग स्पिरिचुअल शक्ति महसूस होगी। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर आपको भोजन और प्रसाद मिलेगा, जो कि मैंने लिया। साथ में ही नारद फोड़ने की जगह भी यहाँ पर दी गई है। थोड़ी ही आगे जाने पर मुझे यहाँ पर भीड़ दिखी, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर और एक प्रतिमा रखी गई थी जिसके लोग दर्शन कर रहे थे। यहाँ का परिसर पूरा भक्तिमय हो गया है। अगर आपका आस्था में विश्वास है तो जरूर आपको यहाँ पर आकर तो एक अलग शक्ति का एहसास आपको होगा। दर्शन होते ही जैसे ही हम बाहर निकले हमें बहुत सारे लोग मंदिर की तरफ आते हुए दिखे। ये लोग माता के लिए ओटी और माता की प्रतिमा माता के लिए लेके जा रहे थे। यहाँ पर नवरात्रि में मेला भी भरता है, छोटे बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बहुत सारी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की गई है, जिसका हमने लुत्फ़ उठाया। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।